बाने दे आने दे नेहरू कॉलेज के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में पुलिस फोर्स है यहाँ पर दिखाई दे रही है और लगभग छावनी में ये कहें कि पूरी तरह से तब्दील हो चुका है। भारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बढ़ा दी गई है और कुछ ही देर पहले जो हज़ारों की संख्या में कांग्रेस जननायक जनता पार्टी के समर्थक यहाँ पर विरोध कर रहे थे तो कहीं ना कहीं किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए पुलिसिया व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर पूरी तरह से दुरुस्त कर दी गई है। पुलिस के तमाम बड़े बड़े आला अफसर अभी अंदर से मुआयना करके आए हैं और एक एक जो पुलिसिया सुरक्षा तंत्र है पूरी तरह से यहाँ पर मजबूत चाक चौबंद है और किसी तरह की अनहोनी की फिलहाल यहाँ पर संभावना कोई दिखाई नहीं देती। और मुद्दा काफ़ी बड़ा है, पूरे देश भर में, हरियाणा प्रदेश में एकदम से पूरी तरह से चर्चित हो चुका है और जननायक जनता पार्टी के कैंडिडेट संजय कबलाना ने भी काफ़ी समय यहाँ अंदर बिताया था कुलदीप वत्स से। हालांकि मैं आपकी बातें करा ही चुका हूं और अभी संजय कबलाना के घर पे चलेंगे, शायद वहीं पे वो मिलेंगे और संजय कबलाना से बातचीत करेंगे, आपको दिखाएंगे कि उनका क्या कुछ मानना है। और कुलदीप वत्स के मुताबिक तो उन्होंने कहा था कि अभी पार्टी के जो उनके पदाधिकारी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, लगातार CCTV फुटेज है वो खंगाली जा रही है, उसको बारीकी से चेक किया जा रहा है। कांग्रेस की उम्मीदवार श्रीमती गीता भुक्कल भी यहाँ पर आई थी और लगातार उन्होंने तो बड़े आरोप यहाँ पर लगा दिए थे। हालांकि कुलदीप वत्स का ये कहना था जब तक पूरी तरह से मामला क्लियर नहीं हो जाता है या रिपोल होगा, दोबारा चुनाव होगा, वो कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात जो इस पूरे मामले में लगातार दर्शक भी पूछ रहे हैं कि जी असली माजरा क्या है, वो आपको बताई देता हूँ। पहले समर्थकों से हम भी घिरे हुए थे, अब तसल्ली से आपको बताएंगे। दरअसल मामला ये था, EVM पोलिंग होने के बाद स्ट्रॉन्ग रूम यहाँ पर बनाया गया था बादली विधानसभा को लेकर, जज्जर विधानसभा को लेकर, और बेरी का किसान सदन है, सुभाष नगर है जज्जर में, उसके पास बनाया गया था स्ट्रॉन्ग रूम। और स्ट्रॉन्ग रूम के कुछ नियम और कायदे होते हैं, उसके मुताबिक है स्ट्रॉन्ग रूम में EVM को रखने के बाद पैरामिलिट्री फोर्सेज के सुरक्षा तंत्र है, उसका एक अभेद्य कवच है, उनके बाहर लगाया जाता है, लगातार वीडियोग्राफी है वो करवाई जाती है। तो दरअसल मामला ये उठा कि तीन अनजान व्यक्ति थे जो बताया जा रहा है वहाँ पर घूमते हुए दिखाई दिए, किसी तरह की आइडेंटिटी है उनका वेरिफिकेशन वो शायद कोई कर नहीं पाया, अभी तक वो बात गुप्त है, कौन थे, क्या नाम था, किस कारण से वो अंदर देखे गए। लेकिन उसके बाद विरोध शुरू होता है और जो वीडियोग्राफी बाकायदा चलती रहती है जब तक काउंटिंग शुरू नहीं होती, वो वीडियोग्राफी है वो बंद हो गई थी, अब मशीन में फॉल्ट के कारण बंद हुई है, बंद कर दी गई थी। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है यहाँ पर खड़ा होता है। लेकिन हुजूम यहाँ पे इतना ज़बरदस्त था, लोगों में रोष काफ़ी ज़बरदस्त था और भारी पुलिस तंत्र है यहाँ पर, अख्तियार है वो आला अधिकारियों की तरफ से यहाँ पर डिप्लॉय है वो कर दिया गया था। और फिलहाल सभी समर्थक यहाँ से जा चुके हैं, लगातार पुलिस के बड़े आला अधिकारियों की गाड़ियाँ हैं, जिला उपायुक्त हैं, SP हैं, लगातार गाड़ियाँ अंदर जा रही हैं, बाहर आ रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था एकदम से पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कि गेट पर पूरी तरह से ताले लगा दिए गए हैं, भारी हुजूम यहाँ पर पुलिस का था। ये देखने में बड़ा दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग क्या इस पर कोई बयान जारी करेगा, क्या कोई संज्ञान इस पर लिया जाएगा, क्या कोई बात पूरी तरह से निकल कर सामने आएगी चुनाव आयोग की तरफ से, चुनाव आयोग का क्या रुख होता है, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर होने वाला है। लेकिन फिलहाल ये जो अपडेट हमने आपको दी है इसके लिए शुक्रिया, नमस्कार।